नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत दिनों से लुक्का छुपी का खेल खेल रही हनीप्रीत को आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया। बलात्कारी बाबा राम रहीम की सबसे करीबी राजदार और सहयोगी हनीप्रीत को भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो की कस्टडी में लिए जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक हनीप्रीत को तलाशने और पकड़ने में नेपाल पुलिस ने मदद की। नेपाल पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत के नेपाल में होने का अध्याय अब समाप्त हो गया है। हालांकि नेपाल पुलिस ने इस बात को लेकर औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। नेपाल पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मीडिया वालों को जल्द ही भारत से ही कोई खबर मिलेगी। हनीप्रीत के नेपाल में छिपे होने की बात खत्म हो गई है। अब हनीप्रीत नेपाल में नहीं है। भारत के आईबी कस्टडी में हनीप्रीत को लिए जाने की बात बताते हुए नेपाल पुलिस का कहना है कि वो औपचारिक रूप से इस टॉपिक पर कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको बता दें कि नेपाल पुलिस के AIG जय बहादुर चंद ने भी बातचीत में हनीप्रीत को लेकर नेपाल पुलिस में कोई भी खबर नहीं होने की बात कही। नेपाल पुलिस का कहना है कि औपचारिक तौर पर भारत से हनीप्रीत को लेकर कोई भी खबर नहीं दी गई है। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता मनोज न्योपाने ने कैमरे पर कोई भी बात बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मीडिया वालों को हमसे नहीं बल्कि भारतीय पक्ष से ही पूछना चाहिए। बीती शाम हनीप्रीत को नेपाल के शहर बिरुपनगर धरान से हिरासत में लिए जाने की खबर आई थी, लेकिन धरान पुलिस ने पकड़ी गई लड़की को हनीप्रीत नहीं बल्कि कोई और लड़की होने का दावा किया। धरान पुलिस ने बताया हनीप्रीत के होने के शक में उसने पूछताछ की लेकिन बाद में छोड़ दिया।